Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. मैंने ज़िमनन बहरहाल इस वक्त तो तबीबुल कुरान की आयात में पेश कर रहा हूँ, ज़िमनन जिक्र आ गया जमीतुल उलमा के इजलास का जो अभी हुआ और उस पर एक तूफान खड़ा कर दिया गया। मैं इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता था क्योंकि जब किसी मसले को इख्तलाफी बना दिया जाता है तो उस मसले में हक की पहचान लोगों के लिए मुश्किल होने लगती है। लेकिन बहरहाल अब जिक्र आ गया तो मैं इख्तिसार के साथ ये बात कह दूँ कि जो कुछ भी वहाँ हुआ, जमीयतुल उलमा का इजलास किया जा रहा था, जो सद्भावना के इजलास किए जाते हैं वो अलग हैं, उनको अलग करना चाहिए, खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। जमीयतुल उलमा की जो तारीख है, उलमा का जो मकाम है और इल्म की जो हैसियत है और अल्लाह के दीन की जो मर्जियत है, जब बात होगी जमीयतुल उलमा के इजलास में तो फिर उसकी होगी। वहाँ फिर वो भानमती का कुंभा नहीं होगा, वहाँ माजून मुरक्कब नहीं होगा, वहाँ खलत मबहस नहीं होगा, वहाँ इधर उधर के लोगों को ला के इकट्ठा नहीं किया जाएगा। वो जलसा अलग कीजिए, ठीक है, अलग जलसे हो रहे हैं, सद्भावना के नाम से जलसे हो रहे हैं, वहाँ उनका तर्ज अलग है, उनकी ज़बान अलग है, उनकी बात अलग है, ज़ाहिर है कि उसमें हक भी है और बातिल भी है और सच भी है और झूठ भी है और शिर्क भी है और तौहीद भी है और मुनकर भी है और गैर मुनकर भी है, सब है वहाँ इकट्ठा किया जाता है। आपस के भाईचारे की बातें की जाती हैं, ठीक है, आपस के भाईचारे की बातें कीजिए लेकिन हक को नुकसान न पहुँचाइए। और इसलिए जो जलसा जमीयत का था उसकी एक तारीख है, उसकी वो तारीख बानमती का कुंभा नहीं है, उसकी जो तारीख है वो इस्लामी तारीख है, उसकी इस्लामियत को बरकरार रहने दीजिए, उसकी हक्कानियत को वाजे कीजिए, उसके पीछे जो बुनियादें हैं उनको खोल कर बयान कीजिए और उम्मत को करना क्या है, आइंदा क्या करना है, अपने किस्से मत सुनाइए बल्कि आइंदा क्या करना है इसका लाए अमल बताइए। ये इसलिए होना था, लेकिन अफसोस है कि ये फैसलों में कमियां हैं और हिकमत की कमी है कि एक ऐसे जलसे को सद्भावना के जलसे के साथ जोड़कर एक भीड़ जमा कर दी गई, उनकी जो मुशरिक हैं जिनके पास तौहीद का जो तसव्वुर है वो भी शिर्क के साथ है, गंदगियों के साथ, नापाकियों के साथ, जिनको समझाना है, तौहीद का सबक पढ़ाना है तो उसके लिए जाहिर है कि उसके हवाले इस तरह पेश करने हैं मजबूत तरीके पर कि कोई जवाब न रह सके, उन्हीं की किताबों से उनका मुंह बंद कर देना है तो उसका अलग मौजू है, उसकी अलग जगह है। यहाँ पर आपने उनको मौका दे दिया और वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हर शख्स अपनी ज़बान से जो चाह रहा है कह रहा है, वो सही है या गलत है। तो अपने स्टेज पर आपने तौहीद के साथ शिर्क को जमा किया, ईमान के साथ कुफ्र को जमा किया, हक के साथ बातिल को जमा किया, ये पहली गलती थी, उसी का ये नतीजा निकला। और जहाँ तक मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम का ताल्लुक है, उन्होंने जो बात कही वो अच्छे जज्बे से कही और तौहीद को साबित करने के लिए कही और इस बुनियाद को पेश करने के लिए कि हक की पहचान होनी चाहिए और अगर मजाहिब किसी न किसी हैसियत से हक से जुड़े हुए हैं तो वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह एक है, उसको आप ईश्वर कहो, लॉर्ड कहो, गॉड कहो, मुख्तलिफ नामों से याद कर सकते हो, लेकिन वो कि जो एक है, जो खालिक है आसमान का भी और ज़मीन का भी और इंसान का भी और जिन का भी और तमाम मखलूकात का भी, वो अल्लाह है, वो क्रिएटर है, उसकी वो सिफात जो कुरान में बयान की गई हैं किसी किताब में भी उस तरह नहीं बयान की गई, और बयान भी की गई तो उनके साथ बहुत कुछ बातिल गड़बड़ कर दिया गया है। इसलिए मौलाना की ख्वाहिश ये थी कि वो तौहीद को पेश करें और उनके भी हवाले से समझाएं और ये बताएं कि जो ओम जिसको वो कहते हैं उसी को हम अल्लाह कहते हैं और वो जिसको मनु कहते हैं उसी को हम आदम कहते हैं। यहाँ गलती हुई है क्योंकि दर हकीकत ओम का जो तसव्वुर है हिंदुओं के यहाँ वो नहीं जो अल्लाह का है, ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं लेकिन मसलन ये बात के मौलाना की ज़बान से बात निकल गई कि ओम हवा की तरह है तो अल्लाह भी ऐसे ही, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह खालिक है हवा का, खालिक है आसमान व ज़मीन का, आसमान व ज़मीन के ज़र्फ़ में अल्लाह नहीं होता है, अल्लाह बुलंद व बाला है, वह अली व अज़ीम है और ये सारी कायनात उसकी ज़ात से बाहर है,
वो खालिक है और ये कायनात मखलूक है, खालिक और मखलूक गडमट नहीं होते हैं, वो हर जगह नहीं है। ये जो तसव्वुर है नऊज़ुबिल्लाह, इसको मानने का मतलब ये हुआ कि उसकी ज़ात हर जगह मौजूद है, तो नऊज़ुबिल्लाह वो हम्माम में भी है, गंदी जगहों पर भी है, और फिल्म की के एक्टरों के साथ भी है, और जहाँ भी बुरे और नजासत के काम हो रहे हैं वहाँ उसकी ज़ात मौजूद है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, वो अली जो अज़ीम है, बुलंद व बाला है, और वो कायनात से मुमास नहीं है, उस कायनात उससे मस नहीं होती है, कायनात मखलूक है, उसको उसने पैदा किया है, इसलिए उसकी ज़ात के लिए जो अल्लाह ने सिफात इस्तेमाल की है कि वो अली है, वो अजीम है, वो साहिब उलुव है, उसका मकाम बुलंद है। हाँ, हर चीज़ को वो जानता है, हर जगह वो तुम्हारे साथ है, यानी अपने इल्म के ज़रिए तुम्हारे साथ है। मुझे अफसोस होता है कि जो अपने को अहले हदीस और सलफ़ी कहते हैं और अकीदों के झगड़े करते हैं, उन्होंने भी इस मौजू पर बात नहीं की, वो भी बस सुनकर टाल गए, वो भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई इस वक्त के मुशरिकों से दोस्तियां रचाएं और उनके शिर्क की बात को भी कबूल कर लें और किसी की इबाहियत की बात को भी कबूल कर लें। ये सब गलत मौक़िफ़ है, इन पर अल्लाह की तरफ से गिरफ्त होगी। इसलिए बहरहाल ओम की जो तस्वीर है उनकी किताबों में वो अल्लाह की ज़ात और सिफात से मुत्तफिक नहीं है पूरे तौर पर, बाज़ बातों में इश्तराक है, तो हम उन बाज़ बातों के इश्तराक की वजह से ये नहीं कहेंगे कि जो ओम है वो अल्लाह है, हरगिज़ नहीं, जो अल्लाह है वो अल्लाह है, और गॉड का भी जो तसव्वुर पेश किया गया है वो सही नहीं है, और इसी तरह लॉर्ड का जो तसव्वुर पेश किया गया, यहूदियों के यहाँ जो अल्लाह का तसव्वुर है उसमें बहुत सी गलत बातें हैं, ईसाइयों के यहाँ जो अल्लाह का तसव्वुर है वो तसलीस के साथ है, और हिंदुओं के यहाँ जो अल्लाह का तसव्वुर है उसमें बहरहाल शिर्कियात की नजासतें शामिल हैं, उसमें बहुत से औसाफ अगर आ गए हैं जो मुश्तरक हैं अल्लाह की सिफात के साथ, तो उनकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह देंगे कि जो अल्लाह है बिल्कुल वही ओम है, हरगिज़ नहीं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। और जो तारुफ़ ओम का किया गया है उसमें उनकी तहरीफ़ात हैं, वरना हकीकत में वो जानना चाहते हैं उसी अल्लाह को, पहुंचना चाहते हैं उसी तक, बयान करना चाहते हैं उसी को, लेकिन उनके पास ज़बान नहीं है, उनके पास फहम नहीं है, उन्होंने तहरीफ़ात की हैं, उन्होंने खलत मबहस किया है, तलबीसात की हैं, इसलिए सही बात बाकी नहीं रह गई। इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि जो ओम है वो अल्लाह है, और फिर नऊज़ु बिल्लाह ये कि जैसे ओम हवा है मसलन और हर जगह है, बिल्कुल ये गलत है, हर जगह अल्लाह नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म हर जगह है, वो हर चीज़ को मुहित है और कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है, ये एक हकीकत है। तो इसलिए बात किसी ऐसे मजमे में अगर कहनी भी है तो उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ हुज्जत बन सके वो कह देनी चाहिए, लेकिन इश्तराक नहीं है और बहुत से फ़ुरूक़ हैं, और अल्लाह ने जो तआरुफ़ कुरान पाक में अपना कराया है, हम जब पेश करेंगे कुरान की ज़बान में बात करेंगे, पैगंबरों की ज़बान में बात करेंगे, हम उस ज़बान को जब भी बदलेंगे और उनकी रियायत करेंगे तो फिर ख़तरा यह है कि हम गढ़े में गिर जाएंगे। इसी तरह मनु का जो लफ्ज़ है, मनु आदम नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हिंदुओं के यहाँ मनुशास्त्र है, और मनुशास्त्र में ऐसे जुल्म की बातें हैं, ऐसी जातियाँ हैं, दलितों के ख़िलाफ़ इतने सख्त कवानीन हैं, जाबिराना वैश्याना, औरतों के ख़िलाफ़ इतने सख्त कानून हैं, और इसी तरह आबादी के बहुत से तबकात के ख़िलाफ़ कानून है, और इंसानों को तबकों में बांटा गया है, ये सब मनु शास्त्र में है। तो अब वो मनु कौन था कौन नहीं था वो अल्लाह जाने, बहरहाल वो आदम नहीं थे, इसलिए हम मनु को आदम करार देंगे, तो उसका मतलब कि मनु की जो शास्त्र है वो आदम की है, गोया आदम तो अल्लाह के नबी थे, उनका तो जो भी कानून था, जो भी अल्लाह ने उनको बताया वो वही था जो कुरान पाक में है, और जो मनु शास्त्र में है उसमें तो ऐसे जुल्म की कहानियां हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, और इसीलिए अंबेडकर ने जो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बानी हैं गोया के, और चेयरमैन थे उस कमेटी के जिसने कानून वजा किया, उन्होंने मनु शास्त्र को जलाया था, और आज भी दलित मनु शास्त्र के ख़िलाफ़ अपने दिलों के अंदर गैज़ व गज़ब की आग रखते हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कवानीन उसमें मौजूद हैं। इसलिए हम क्यों मनु को आदम कहें, जब वो मनु शास्त्र वाला जो मनु है उसने तो जुल्म की इंतहाएँ कर दी थी,
तो क्या जरूरत है साहब जबरदस्ती के इश्तराक पैदा करने की। इसलिए पूरी माजरत के साथ, पूरे अदब के साथ हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम की खिदमत में मैं दरख्वास्त करूँगा कि मौलाना इन मुमासलतों का तस्करा बिल्कुल न फरमाएं। आपकी ज़बान से तो बस कुरान पाक की आयात का तर्जुमा सुना जाए और अहादीस का तर्जुमा सुना जाए, और जो मौजू है उनकी किताबों का और उनके हवालों का वो जाकिर नायक के लिए छोड़ दें, और उस तरह के जो लोग हैं जिनको याद है उनके एक एक अश्लोक याद हैं वो उनको पेश कर सकते हैं, ये मौजू उनके हवाले कर दें, क्योंकि जो इसका स्पेशलिस्ट नहीं है वो इस मौजू में अगर बात करेगा तो गलतियाँ हो जाएंगी। तो एक तो ये पहलू, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है वो इंसान जैनी मजहब का जो नुमाइंदा था वो बदतमीज़ था, और उसको ये मौका दिया गया कि वो इसने स्टेज पर आकर बात कही, वो मौलाना के ख़िलाफ़ बात नहीं थी, वो अल्लाह के ख़िलाफ़ बात थी, उसने अल्लाह के बारे में बदतमीज़ी की, वो मुजरिम था, और उस मुजरिम से कह दिया जाता कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, आप यहाँ से रवाना हो जाएं, क्योंकि यहाँ बात सद्भावना की जो होगी तो बुनियादी तौर पर इस तरह होगी कि वो अल्लाह और ईश्वर एक है, वो हमारा मालिक और खालिक है, पहले इस पर इत्तेफाक करना होगा, फिर सद्भावना की बात होगी। अगर अल्लाह पर इत्तेफाक नहीं है और अगर पैगंबरों की हैसियत और अजमत को नहीं माना जा रहा है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी है या कुरान के बारे में कोई गुस्ताखी है, तो सद्भावना का कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं किसी इत्तेहाद का। हम जब खुले तौर पर कह देते हैं, शियों से कह देते हैं कि अगर अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान के खिलाफ बात की जाएगी, तालो तशनी किया जाएगा, आयशा पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, कोई ताल्लुक फिर हमारा आपसे नहीं, कोई तकारुब नहीं हो सकता है, उसी वक्त होगा जबकि हमारी जो अजीम शख्सियात हैं उनको तस्लीम किया जाए। तो जब हम उनसे ये बात करते हैं तो वहाँ जाकर हम वो बात कर रहे हैं कि जो शिर्क से गड़मड़ हो रही है और जिसमें मनु की सही तस्वीर सामने नहीं आ रही, फिर उसको ये मौका दे रहे हैं, फिर हमारे हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं वो माजरत आमेज लहजा इख्तियार करते हुए माफ़ी मांग रहे हैं, बदतमीज से माफ़ी। अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी करेगा और बदतमीजी करेगा वो कहता है अल्लाह वल्ला फालतू बातें, वो मुजरिम खबीसिया कह रहा है, हमारे स्टेज पर उसके अंदर यह हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कह दे के अल्लाह वल्ला फालतू बातें हैं, हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया, ऐसे मुजरिम से कहोगे जा तो अपने माँ बाप के साथ मर या जी। तो जो मौकिफ इख्तियार किया गया बहुत ही कमज़ोर है, और उम्मत की नुमाइंदा जमात के लिए किसी तरह ये शायान शान नहीं है, इसलिए हमें इस पर एतराज़ है, इख्तिलाफ है। हमारा ये कहना है माना महमूद साहब से भी कि ये गड़बड़ न किया करें, जमीयत का जलसा अलग करें, उसकी तारीख अलग है और उसके इरादे अलग थे, मुल्क की आज़ादी थी और मुल्क की आज़ादी इसलिए थी कि जो हक है इस मिल्लत का जो हक है वो उसको मिले। अपने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेकर फिर उन मुशरिकों और काफिरों का ज़मीमा बनना गवारा किया, और आज फिर आप ये चाहते हैं कि ज़मीमा बन के रहें, हरगिज़ हरगिज़ नहीं। इस उम्मत की जुदागाना शान है, इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया, ये उम्मत है जो रहबर और हादी है, ये उम्मत है जो सबकी रहनुमाई करती है और करेगी इंशाअल्लाह। इसलिए बगैर किसी दबाव के, बगैर किसके के सर झुकाया जाए और माजरत मांगी जाए, हमको अपनी बात कहना है। अब अपने मजमे से कहना है तो अपने मजमे से कहिए, उनके मजमे में जाना है तो उनके मजमे के हवालों को पेश करके कहिए, और आपके अंदर फिर वो इल्म हो, वो कुदरत हो, वरना इस तरह के जो बानमती के कुंभे हैं उनको मत जोड़िए, और भांत भांत की न बोलियाँ बुलवाइए और न भांत भांत के लोगों को लाइए। ये तर्ज गलत है, मौकिफ गलत है, इससे पूरी उम्मत को नुकसान पहुँच रहा है और मिल्लत को जिल्लत उठानी पड़ रही है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।